अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता देखने वाला जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ एक बड़ा एक पेचीदा सा है। सही है। मैं हम लोग जब पहली बार रिश्ता देखने के लिए गए, अच्छा मैंने एक बिल्डअप बनाया हुआ था पूरा अम्मी के सामने कि भाई ये होगा वो होगा, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ढिमकाना, मैं बंदी से बात करूँगा तभी कुछ पता चलेगा, ये वो सब। अच्छा हुआ ये कि जिस दिन जहाँ था मैं भूल चुका था कि हमें जहाँ में जाना है तो मैं तो बेसिकली हब चौकी जा चुका था रात को पार्टी करने। तो मैं जब सुबह आया तो सुबह वो पार्टी के भी साथ थे और मैं भी कुछ अजीब सा था। हम जब 10 बजे उनके घर पहुँचे तो उनका पूरा घर हमारा इंतज़ार कर रहा था, उनके दादा। अच्छा अगर तो आप रिश्ता देखने जाएं और उनके दादा अगर आपको मिल जाएं तो मैं कहूँगा कि आप अपनी जितनी भी पॉलिसी है ना वो आप सारी चेंज कर दें, कुछ नहीं हो सकता। कोई ग्राहक आदमी है वो आपको ताड़ रहा है, बैठे हुए देख रहा है कि क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। खैर उनके घर के अंदर गए और बूढ़ा है तो खुशगुमान तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसका मूड खराब है, उस वजह नाश्ता नहीं मिला था, चाय नहीं मिली थी, क्या हुआ था, घर में फटदा हो चुका था उसको, मैं पहले से नहीं पसंद था, आई डोंट नो भाई। हुआ ये हम उनके अंदर गए घर पे। अच्छा अमीर लोगों के घर भी रिश्ता देखने नहीं जाना चाहिए जो आपसे ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो। ठीक है, हमारे पास फाइनल अमीर कौन है, हमारे अब्बा। ठीक है जी, हम गए एक बहुत बड़े सोफे के ऊपर। आपने देखा मेरी फिजिक भी थोड़ी पतली सी है तो मैं एक छोटा सा आदमी एक बहुत बड़े सोफे पे यूं करके बैठा हुआ। अच्छा जो लड़का होता है ना वो सबसे फालतू आइटम होता है जब वो रिश्ता देखने के लिए जाते हैं एक पॉइंट तक, और फालतू गुफ्तगू करना ये भी एक आर्ट है। ये मुझे उस दिन पता चला कि 1-1.5 घंटा आपको अनशन बातें ऐसी करनी है जिसका कोई सर पैर ना हो, जिसका कोई मीनिंग भी ना निकले और गुफ्तगू भी होती रहे, ये 1 घंटा कैसे करना है, ये बड़े माहिर लोगों को आता है, मेरे अब्बू को आता है। अच्छा इसकी मैंने कहा 2-3 चीज़ें हैं इसकी, इसमें ये हुआ कि आप गए, आपने जाते ही सवाल पूछा कि आपका घर यही है पहले से, अब वो आपसे पूछेंगे कि आपको रास्ता मिल गया था आते हुए, तो यहाँ से भी एक गुफ्तगू शुरू होती है। जी जी आपका घर जो है ये कराची के बिल्कुल एक सेंट्रल लोकेशन के अंदर है, इसमें एक नॉर्थ वेस्ट से भी रास्ता आता है, मैं यहाँ से भी आ सकता था, हम तो खंदकें फैलांगते हुए यहाँ तक पहुँचे, ये एक यहाँ से आ सकते हैं। दूसरा ये कि आप बैठे बैठे एकदम से नेचुरली बोल रहे हैं, आपने गर्मी नहीं होगी तो AC ऑन कर लें, यहाँ से आप ग्लोबल वार्मिंग तक जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा तीसरा ये है कि आप आपको क्या लगता है चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा फ्लेक्सिबल टॉपिक है, यहाँ पे मैंने देखा लोग मुंह से आंखों में झाग निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा उसके अलावा फिर एक सीन ये भी होता है जब वो लड़की को बुलाया जाता है, भाई बात करने का मकसद ये होता है कि आप हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करेंगे, आपको एक मोमेंट दिया जाएगा, आप अकेले जाएंगे कुछ बात करेंगे, आप पूरे घर के सामने ला के बिठा दिया, ये लो तुम करना चाहते थे बात कर लो। हाँ भाई अली तो कह रहे थे कि मैं खुद जब तक बात नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। जी बैठे अब बात करें, अब मैं वो मुझे देख रही, मैं उनको देख रहा, तो मैंने भी उनसे ये पूछा गर्मी तो नहीं हो रही, वही रास्ता आपको सही से मिल गया था, आपको क्या लगता है चेंज आएगा कि नहीं आएगा, अब आप बताओ कि इसमें मैं कैसे कैसे जज करूं। मैं कभी ऐसा भी हुआ कि लड़की से फोन पे बात की हो? ये बड़ी मुश्किल कॉन्वर्सेशन होती है कि आप जब किसी बंदी से को कहते हैं भाई कि इनका नंबर आ चुका है, आपका नंबर वहाँ जा चुका है, अब आप एक कॉल आएगी, अब वो आपको उस कॉल का इंतज़ार होता है, आप एक इंतहाई सादा मैसेज सादा और पुरवकार सा लिखते हैं, हे दिस इज़ अली, रिमेंबर वी केम टू योर प्लेस। बहरहाल जी वो मैंने खैर उनको लिखा, उनका आया कि जी हाँ जी मैं आपसे बात कर लूँ। तो बहरहाल हम लोग जब अच्छा कॉन्वर्सेशन फ़ोन पे जो होती है ना उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपके कनेक्शन थोड़ी स्टेबल होने चाहिए। आपने एक बिल्डअप बनाया हुआ होता है कि यार यहाँ से शुरू करूँगा, शुरू का पहला पार्ट अंग्रेज़ी में करना है, बीच में जो है वो अपना एक रिलीजियस एंगल फेंकना है, फिर एकदम से लिबरल हो जाना है, फिर चेक करना है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, और उसके बाद घर वापस आ जाना। अच्छा अब हुआ ये कि इनसे जब बात शुरू हुई तो वो फोन ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हेलो 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 आवाज़ आ गई हेलो हेलो, कुछ 36 दफ़ा इस चक्कर में मोमेंट की वाट लग गई, मोमेंट बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अच्छा जी उसके बाद जब फाइनली हम लोग एक पेज पे जब आ गए कि हेलो, उनका हेलो हाँ जी आ रहा है आ रहा है, तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ही पूछा, तो जी पूछिए आपको क्या क्या मुझसे पूछना है, तो मैंने कहा आपने वैक्सीनेशन करवा ली। कैसा सवाल है ये, मतलब कि आप पूछे जो पूछे, मैं कहा आपको नहीं पूछना कुछ, नहीं मैं हाँ कुछ नहीं पूछा, अच्छा मैं हैंड्स फ्री लगा लूँ। बस इस हैंड्स फ्री पे ना मेरे हैंड्स फ्री हो गए बिल्कुल। मैं कहा यार कहीं गया था।
अच्छा तो अब क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है तो फिर जो क्लास के बाद लड़कियां लड़कों को अलग से और लड़के लड़कियों को अलग से कांटेक्ट करते हैं, वो फिर कैसे होता है? कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में टिंडर और बम्बल जो था हलाल था अल्लाह मतलब अलाउ था सॉरी मैं अपने तो वो भी एक दुनिया थी। अच्छा हुआ ये कि टिंडर और बम्बल के ऊपर एक तो एक बड़ी मुश्किल आ रही थी जब आपको जानने वाले मिल रहे थे ठीक है। अच्छा मेरा जो था मैच एक जानने वाले से ही हो गया ठीक। अच्छा हम नियतें हमने पहले से की हुई थी कि हमने कुछ भी करना है मतलब हमने नहीं करना है। अब खुदा खुदा करके मैच हुआ, पहला मैच था, उनका भी दिल जो था वो भी थक चुकी थी, मैं भी थक चुका था, तो हमने कहा गया चलो कोई तो बात तो बनी। अभी हम आगे बढ़ना शुरू हुए ही थे कि वो टिंडर बैन हो गया मगर वो कहते ना हर फिरौने राम मूसा हर मसले का हल मौजूद है। माशाल्लाह फेसबुक पे आपने नोट किया होगा कि कोई सोल वंडर्स टू ये वो पेजेस मैं अच्छा मेरी बहनों ने मुझे तमाम रिश्ता ग्रुप्स में ऐड कर दिया है, मैं हर रिश्ता ग्रुप के ऊपर मौजूद हूँ ठीक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ठीक है, मतलब एक हलाल टिंडर इमेजिन कि आप पढ़ रहे हैं बायो बायो लोगों ने बड़ी मजे मजे की डिटेल्स लिखी है। लेकिन असल मसला ये है कि आपको टिंडर वगैरह पर भी फेमिनिस्ट्स मिल जाती हैं जानने वाली हैं बिल्कुल और वो जैसे ही आपका प्रोफाइल उनके स्वाइप में आता है वो दस्ती जाटती है ट्विटर पे कि इसकी तो शादी हुई भी है ये टिंडर पे क्या कर रहा है। अच्छा और फिर मुझे ना मैं फेमिनिस्ट से बड़ा तंग हूं चाहिए कि वैसे वो बातें जो करती हैं वो बातें ठीक हैं लेकिन उनको ना टाइमिंग का कोई अंदाजा नहीं है। मसलन दो बंदे हैं उनकी गालम गलोच हो रही होगी कुछ चार एक घंटे के बाद मौका बनेगा कि अब ना ये कुसुनमुखी हो बिल्कुल कुसुनमुखी से पहले ना एक फेमिनिस्ट आ जाएगी कि तुमने उसको बहन की गाली क्यों निकाली भाई की क्यों नहीं निकाली। अब वो ना दोनों लड़ाई छोड़ के उसको देखना शुरू हो जाती है कि यार मतलब अच्छा ये भी प्रॉब्लम लड़के गालियों में टैलेंट दिखा चुके हैं हर तरह का। अच्छा ये है कि फेमिनिस्ट में देखा अक्सर नाराज होते हैं सिस्टम से नाराज हर चीज़ से नाराज तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बात सारी ये है कि हमें तो बहुत सारी चीज़ें तैयार मिली है ना यार मैं अपना टैलेंट पूरा लगा रहा हूँ, मेरे साथ जो कॉलेज में बॉयज थे उन्होंने पूरा टैलेंट लगाया, हमने हर तरह की गाली बनाई उसके अंदर हमने हर जेंडर को इवन के जानवरों को जितना जो जिंदा इंसान थे उनको हमने ऑन बोर्ड लिया हमने करने की कोशिश की मगर हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया। तो मुझे ये बताया कि कॉमेडी करने की या मजाकिया होने की चुल कहाँ से आई? यार मुझे नहीं पता था कि इस काम के पैसे हैं खुदाई कसम मुझे बा खुदा नहीं पता था। अच्छा जब मुझे पहली बार पता चला कि यार ये जो आप बातें बातें करते हो या आप स्टेज पे जाके करोगे कुछ लोग उसके पैसे देंगे मुझे यकीन ही नहीं आया। और फिर कुछ अरसे बाद तो लोगों ने पिक्चर्स भी लेना शुरू कर दी, ये सब कुछ बहुत अनहोना था खुद ब खुद हो रहा है बस जो हो रहा है भाई लोशे करवा दिए बहुत तबीयत का शो हुआ है। आपको डिग्री मिलनी तो है नहीं जितने मर्जी ऑनलाइन कोर्सेज कर लें और वैसे भी ये डिग्री नहीं है ये इस शहर की एजाजी शहरियत है ये मैं आपके हवाले करता हूँ इसका ध्यान रखना कोई बच्ची भगा के इधर लाने की जरूरत नहीं है।